पिज्ज़ा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पिज्ज़ा सब्जी की मेकिंग। आपको सब्जी में पिज्ज़ा का टेस्ट आएगा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये पिज्ज़ा सब्जी होती क्या है? ये क्या, तो सब्जी तो कॉमन ही होती पंजाबी, हाँ। उसमें पिज्ज़ा का टेस्ट आए। तो ये देखिए, ये आ गया यहाँ पे ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये कसूरी मेथी है, ये थोड़ा सा जीरा। तो आपने कैसे सोचा पिज्ज़ा सब्जी लगाने का? वो तो क्या, एक बार हम पिज्ज़ा लाए थे साथ में, पंजाबी खाना भी था, तो दोनों साथ में खाया, तो मेरे बोला थोड़ा यूनिक कुछ करते हैं, सभी ग्राहक को पसंद आए और नई आइटम, यानी मैंने ही सोच की हुई है। भावनगर के पूरे इंडिया में कोई नहीं, पूरे इंडिया में कोई नहीं पनीर पिज्ज़ा मैंने ही प्रोड्यूस किया। तो ये देखिए फायर शॉट यहाँ पे एकदम बढ़िया सा, भैया ने तड़का लगा दिया, ये देखिए ज़बरदस्त तड़का लगा दिया है। अभी उसमें पनीर जाएगी, ये देखिए ये जा रहा है यहाँ पे पनीर, तो देखो कितने बढ़िया से पनीर काटे हुए यहाँ पे, ये शिमला, और ये देखिए ये आ गई शिमला मिर्च, और ये प्याज, और ये आ गया प्याज। तो हमारी पिज्ज़ा सब्जी लगने जा रही है यहाँ पे, पिज्ज़ा सॉस, ये आ गया पिज्ज़ा सॉस, ये आपको पूरी फील दिला देंगे पिज्ज़ा की, पिज्ज़ा सब्जी के साथ। ये देखिए ये मिक्स अप ऑरेगानो, ये आ गया ऑरेगानो। तो जो भी आइटम पिज्ज़ा में डलती है वो उनकी सब्जी में डलने जा रही है, और आपको एकदम पिज्ज़ा वाला टेस्ट आने वाला है। तो ये आ गया चिली फ्लेक्स यहाँ पे। तो प्राइस क्या रहता है इसका? अभी तो 150 रखा हुआ है, 150। तो ये देखिए 150 रुपीज़ की रहेगी ये पिज़्ज़ा सब्जी, और ये आ गई ग्रेवी, स्पेशल ग्रेवी रहती है। तो इसमें क्या क्या डला होता है? इसमें प्याज आता है, टमाटर, काजू है, मगज है, और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए भाई बढ़िया सी ग्रेवी डाल दी और पनीर मिक्स कर दिया, और जो तड़का मारे ना बहुत ही अच्छा तड़का मारा है, ये देखिए अभी इसमें पनीर पड़ेगा। अच्छा, तो ये देखिए भाई ऊपर से और पनीर आ गया यहाँ पे। तो इसके अलावा और क्या क्या वैरायटी मिल जाती है आपकी दुकान? जो रेगुलर वैरायटी है, पनीर भुर्जी है, तूफानी है, टिक्का है, वो सब रेगुलर होता है, ये सोम से शुक्र ही मिलेगा। अच्छा, ये देखिए भाई अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आपको मंडे टू फ्राइडे आना पड़ेगा, सैटरडे संडे आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली। ये किचन किंग, ये एरोमेट पाउडर, नोर, नमक, मिर्ची और धनिया। ये देखिए बढ़िया से मसाले मिक्स कर दिए, एकदम बढ़िया ग्रेवी रेडी हो चुकी है यहाँ पे, और पनीर के पीसेस देख सकते आप इसमें। ये देखिए भाई ये आ गई यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम, ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, टेस्ट भी ऐसा ही होगा, टेस्ट आप एक बार खाओगे बार बार खाते रहोगे, बार बार खाते रहेंगे। ये देखिए भाई हमारी यहाँ पे पिज्ज़ा सब्जी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए भाई हमारी ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ पैकिंग रहती है, टेक अवे रहती है, ओनली टेक अवे। तो ये देखिए भाई आप यहाँ पे बनवा के अपने घर ले जा सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो। तो हमारी ग्रेवी यहाँ पे लग चुकी है, तो जैसे कि पिज्ज़ा की टॉपिंग होती है एकदम वैसे ही यहाँ पे टॉपिंग होने वाली है। तो भैया स्टार्ट कर दीजिए, पहले पनीर आएगा। ये देखिए भाई ये आ गया पनीर यहाँ पे। भाई ये आइटम आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाली, पिज़्ज़ा सब्जी में पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए ये चीज़ क्यूब है, ये आगे चीज़ क्यूब, शिमला मिर्च, ये आगे शिमला मिर्च। तो देख सकते हो एकदम पिज़्ज़ा की तरह इसको रेडी कर रहे हैं, एकदम बढ़िया टॉपिंग मार रहे हैं यहाँ पे। टमाटर, और ये देखिए ये आ गया प्याज, अभी ऊपर से चीज, ये देखिए भाई चीज एकदम भर भर के डाल रहे हैं। तो ये देखिए भाई चीज के क्यूब्स भी रखे हैं और ऊपर से चीज भी डाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आइटम है, बहुत ही डिफरेंट है, आपको ये चीज़ कहीं और नहीं मिलने वाली। अगर आपको टेस्ट करना है तो भैया के साथ इसको टेस्ट कीजिए। ऊपर से चिली फ्लेक्स, ये आ गया यहाँ पे चिली फ्लेक्स, ये ऑरिगेनो, ये देखिए भाई ये आ गया ऑरिगेनो ऊपर से। तो अब क्या डाल रहे हैं हमें? ये ग्रीन ऑलिव है, ठीक है, ब्लैक ऑलिव भी होता है, अभी नहीं।